म्यूजिक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। हेलो रॉकस्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त, वोकल कोच, सिंगर सॉन्गराइटर रणित सिंह, और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रणित। सिंग अलोंग ई एकेडमी फॉर सिंगर्स, लर्न फ्रॉम योर ये रात का धुआं धुंधला सा कर गया यादों को, उन वादों को, बातों को। तुम ही बोलो ना, कैसे रोक लूं दिल की हर धड़कन। हमदम तेरी आंखों में जो है नशा वो छा रहा। तो दोस्तों, ये गाने जो आपने अभी सुने ये हमारे ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं। एक सॉन्ग का नाम है धुआं और एक का नाम है हमदम। तो ये दोनों गाने सुनने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर जाएं और वहाँ पर भी अपना कमेंट छोड़ें, अपना प्यार दें। ऑलराइट, नाउ बैक टू दिस वीडियो। आज किस वीडियो में मैं एक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, जैसा कि आप थंबनेल पे और टाइटल देख चुके हैं, गाने का नाम है जिहाले मस्की। और इसको ये नया जो वर्जन है ये वो वाला है जिसे विशाल मिश्रा ने और श्रेय घोषाल जी ने गाया है। कुणाल वर्मा ने इसके लिरिक्स को लिखा है, जो नए वाले लिरिक्स हैं। और काफ़ी टाइम से गाना ट्रेंड कर रहा था एंड बहुत सारी जगहों पे मैंने गाना सुना एंड आई थॉट कि चलो यार इसका ट्यूटोरियल बनाते हैं। और बहुत कुछ कमेंट्स भी बीच में आए थे कि आप इसका ट्यूटोरियल बनाइए। तो हियर वी गो। गाने का जो ओरिजिनल स्केल है वो ए माइनर है, हम ए माइनर पे ही समझेंगे क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ठीक है गाना। एंड श्रेय घोषाल जी ने क्या गाया है और विशाल मिश्रा जी ने भी अपने स्टाइल में, जो स्टाइल है गाने का, उस पर गाया है। ओवरऑल गाना बहुत अच्छा लगा मुझे और मैंने सोचा इसीलिए इसका ट्यूटोरियल बनाना चाहिए। और आई होप आप सब लोगों ने ये गाना सुना है और आप लोग इस ट्यूटोरियल से फ़ायदा उठा पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेंगी। जो लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं, पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो देख के लाइक कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑलराइट, सो हियर वी गो विद अ सॉन्ग कॉल्ड जिहाले मस्की। तो इस गाने की जो शुरुआत है वो कुछ इस तरीके से हो रही है। तो पहले विशाल मिश्रा जी की लाइन आती है जो कि है, याद रखूंगा मैं ये बेवफाई यार मेरे। सिंपल है गाने का। एक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको बताऊं कि ये थोड़ा जैसे 90s में जो गाने आते थे, 2000 के आसपास के जो गाने आते थे, म्यूजिक भी उस तरह का है, जो सिंगिंग है वो भी उस तरह की। ऑफकोर्स इट्स एन इंस्पायर्ड सॉन्ग और काइंड ऑफ रीमेक, तो वही वाली वाइब है इस गाने में। एंड आई रियली लाइक द म्यूजिक एज वेल। तो वैसे ही है, गाना सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत वेरिएशंस नहीं है, बट जितना है आप अगर क्लीन गाओगे तो अच्छा लगेगा। तो पहली लाइन विशाल मिश्रा की आवाज़ में जो थी एंड वो ये है, याद रखूंगा मैं ये बेवफाई यार मेरे, सिर्फ लगी चाहत में तन्हाई हाथ मेरे। तो पहली ये लाइन है। तो उसको कैसे गाया है, हर बार की तरह जो भी गाना आप गाएं पहले हमिंग करें। ऑलराइट, बिना हमिंग के स्टार्ट ही नहीं करना है। अब गाएंगे, याद रखूंगा मैं ये बेवफाई यार मेरे, ठीक है, ऐसे भी गा सकते हो। और याद, अब स्टार्ट जो हो रहा है वो फ्राइज के साथ ही हो रहा है, याद क्लीन नहीं है। याद रखूंगा मैं ये बेवफाई यार मेरे, विब्राटोज आ रहे हैं एंड में, सिर्फ लगी चाहत में। तो सेकंड टाइम जो आ रही है फर्स्ट टाइप की मेलोडी थोड़ी सी अलग है। पहली क्या है, याद रखूंगा मैं ये बेवफाई यार मेरे, तो यार के एंड में एक मुर्की है, बेवफाई, थोड़ा सा एरी साउंड आएगा, बेवफाई यार मेरे, तो यार मेरे। और विब्राटोस काफी ज्यादा हैं और बहुत सटल हैं, थोड़ी फास्ट है। याद रखूंगा मैं ये बेवफाई यार मेरे,
सिर्फ लगी चाहत में, तो चाहत थोड़ा अलग बोला है, सिर्फ लगी चाहत में, चाहत में, थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर और एम्फेसाइज करा है यहाँ पर, सिर्फ लगी चाहत में, ऐसे सीधा नहीं गाया है, सिर्फ लगी चाहत में, चाहत में, और विब्राटो से ही एंड होगा, और फिर तन्हाई तन्हाई, तो पूरी लाइन अगर हम गाएंगे तो सिर्फ लगी चाहत में तन्हाई तन्हाई हाथ मेरे, ठीक है, यहाँ तक एकदम सिंपल है। तो चारों लाइनें एक बार मैं गा देता हूँ, याद रखूंगा मैं ये बेवफाई यार मेरे, सिर्फ लगी चाहत में तन्हाई हाथ मेरे। तो यहाँ तक सीधा सीधा है, सीधी सीधी मेलोडी है, सिमिलर है दोनों लाइंस की, चारों लाइंस की मतलब आपस में ऑल्टरनेटिवली, तो वहाँ तक आपने गाया। एंड देन ये अब जो मैं दिल को समझा लूँगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो लास्ट लाइन से कनेक्ट करेंगे। सिर्फ लगी चाहत में, सिर्फ लगी चाहत में तन्हाई हाथ मेरे, ठीक है, ला 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 ला, सीधा फिर, मैं दिल को समझा लूंगा, मैं दिल को समझा लूंगा। तो यहाँ पर जो सेकंड टाइम दिल आया है वो थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो पहला ला 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 ला, तो सीधा क्या, मैं दिल को समझा लूंगा, सीधा, मैं दिल को समझा लूंगा, सेकंड टाइम, मैं दिल, तो दिल पे एक मुर्की है, मैं ला 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 ला, तो ये चार नोट से, मैं ला 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 ला, तो चार नोट बहुत फास्ट आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो स्लो डाउन करके गाना आप, ठीक है, मैं दिल, तो फास्ट ऐसा सुनाई देगा, ठीक है, मैं दिल को समझा लूंगा, फिर एंड होता है सेम वे, तू ख्याल तेरा रखना, और ये थोड़ा रखना फास्ट हो रहा है, ठीक है, तू ख्याल तेरा रखना, ठीक है, फास्ट है, तू ख्याल तेरा रखना, तो तेरा पे भी छोटा सा एक नोट शिफ्ट है, तू ख्याल तेरा रखना, तो रखना थोड़ा फास्ट है, रखना, ठीक है, फिर जो गाने की मेन लाइन आ जाती है वही है, ज़िहाले मस्की मकुंब रंगिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है, तो उन्होंने विशाल मिश्रा जी ने गाया, वो थोड़ा सीधा गाया है, ज़िहाले मस्की मकुंब रंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है, बेचारा दिल है, ठीक है, ला 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 ला, तो ये नोट शिफ्ट है, ठीक है, पहले ला 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 करके आप अगर उसको गाओगे और नोट्स को कैप्चर कर लोगे, नोट्स के मूवमेंट कैप्चर कर लोगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, तो क्या है, ज़िहाले, और एक ब्रेक है, ज़िहाले मस्की, यहाँ पर ब्रेक है, ठीक है, ज़िहाले मस्की मकुंब रंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है, यहाँ तक क्लियर है, ज़िहाले मस्की मकुंब रंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, सुनाई देती, तो ड्रॉप है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, है जिसकी धड़कन, एक ही जगह पे स्ट्राइक करें, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, है जिसकी धड़कन, ला 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 ला, तो एक जगह पे, ठीक है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है,
यहाँ तक क्लियर है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ रहा, हल्का सा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। सुनाई देती, और विशाल मिश्रा जी ने सीधा गाया, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, क्लियर है, थोड़ा सा हंस के साथ गाना है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, तो जैसा उनकी हस्की वाली जो आवाज है उस तरीके से गाया उन्होंने, तो आप क्लीन भी गा सकते हो, आप हंसके भी गा सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको गा के बताया। अब सेकंड टाइम भी हुई है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। अब ये बहुत ज्यादा टफ मेलोडी नहीं है, ला 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 ला, ठीक है, बार बार लाला लाला करके आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसकी पहले मेलोडी कैच करनी है, फिर उस पर लिरिक्स ऐड कर दोगे तो थोड़ा फील भी आ जाएगा और मीनिंग भी आ जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट फिर सेम चीज को श्रेय घोषाल जी गाते हैं थोड़ी अलग अंदाज में। तो जैसे विशाल मिश्रा कैसे गा रहे थे, जिहाले मस्की मकुंभ रंजिश, तो ये ब्रेक दे दे के गा रहे थे, और जो श्रेय घोषाल जी ने गाया वो एक फ्लो में गाया, कैसे गाए, जिहाले मस्की मकुंभ रंजिश, तो एक कनेक्टेड वे में रखा है, जिहाले मस्की मकुंभ रंजिश, उन्होंने क्या करा था, जिहाले मस्की, तो यहाँ ब्रेक दिया था। श्रेय घोषाल जी ने क्या किया, जिहाले मस्की मकुंभ रंजिश, एक फ्लो में कनेक्टेड, जिहाले मस्की मकुंभ रंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, उन्होंने थोड़ा मुर्किया ज्यादा करी है, तो जैसे बहाले पे मुर्किया करी है, सीधा नहीं गाया, जिहाले मस्की मकुंभ रंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, ठीक है, मेलोडी सेम है, थोड़ी हरकत है, तो जिनका गला चलता है वो इस पार्ट को इजीली गा पाएंगे, वरना विशाल मिश्रा जी के स्टाइल में गाइए, जिहाले मस्की मकुंभ रंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, आप ऐसे भी गा सकते हो, थोड़ा लेवल अच्छा है, तो जिहाले मस्की मकुंभ रंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, फिर सुनाई दे दी, तो उन्होंने जैसे विशाल मिश्रा जी ने कैसे गाया, सुनाई देती, सीधा, और श्रेय घोषाल जी ने, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, तो इसी पार्ट को श्रेय घोषाल जी ने कैसे गाया, सुनाई दे दी है जिसकी धड़कन, तो वेवी है थोड़ा, सुनाई दे दी, ठीक है, सीधा नहीं गया, सुनाई दे दी, ऐसा नहीं गया, सुनाई दे दी है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सेकंड टाइम, सुनाई देती है जिसकी धड़कन सुनाई देती, थोड़ा ब्रेक करके, सुनाई देती, सुनाई देती, ला 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 ला, सुनाई देती है जिसकी धड़कन सुनाई देती है जिसकी धड़कन, सेकंड टाइम कैसे, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, फर्स्ट टाइम, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, तो टेल चेंज कर दिए, ठीक है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, इस नोट पे एंड करा उन्होंने, ठीक है, फिर उसके बाद मुखड़े को अंतरे से ब्रिज करने के लिए एक वोकल ब्रिज है, क्या है वो, ओ
तो इसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ला 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 टूटे दिल को जोड़े कैसे ये बताते जाओ। तो एक फ्लो में आएगा तो कैसे आएगा, टूटे दिल को जोड़े कैसे ये बताते जाओ। ठीक है, तो आपको भी ऐसे करने ला 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 ला। विब्राटोस बहुत यूज हुए इस गाने में, तो आप लोग भी करना। टूटे दिल को जोड़े कैसे, ठीक है, सेम वे। टूटे दिल को जोड़े कैसे बताते जाओ, ये बताते जाओ। तो यहाँ पर भी फ्राइज आ रहे हैं। टूटे दिल को जोड़े कैसे ये बताते जाओ, फिर जिंदा रहने की बस हमको एक वजह दे जाओ। सेम स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो अगर आपने वो लाला लाला करके ये वाला स्ट्रक्चर फिगर आउट कर लिया तो आगे वाले भी आ जाएगा। फिर सेम श्रेय घोषाल जी की लाइन आती है, एग्जैक्ट सेम है। यू ना फेरू हमसे आंखें तो मिलाते जाओ कोई, हाँ तो कोई वादा जो, तो फर्स्ट लाइन सेम है। यू ना फेरू हमसे आंखें तो मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, व्हाटएवर जो वांट टू। ठीक है, उसके बाद कोई कोई वादा, ऐसे नहीं गाया उन्होंने इसको, कोई वादा करते जाना। हाँ, तो इसको उन्होंने सीधा नहीं गाया, उसको कैसे गाया, कोई वादा कर जाओ, कोई दुआ दे जाओ। तो कोई को घुमा दिए और वादा को भी घुमा दिए। कोई ला 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 ला, कोई कोई वादा कर जाओ, कोई दुआ दे जाओ। ठीक है, जब हम स्लो करके गाते हैं ना तो आवाज ज्यादा दिखती है। ठीक है, तो आपको जो सॉलिड सॉलिड फील हो रहा है जब उसको फ्लो में गाया जाएगा तो इतना नहीं सुनाई देगा। ठीक है, कोई वादा कर जाओ ऐसा सुनाई देगा। ठीक है, लेकिन जब स्लो करके बता रहा हूं तो कैसा रहे, कोई वादा कर जाओ, कोई दुआ दे जाओ। तो रुकना है कोई पे, कोई वादा कर जाओ, कोई कोई कोई, तीन नोट्स है, कोई कोई दुआ दे जाओ। फिर आते विशाल मिश्रा जी की लाइन, मेरे लिए थोड़ी सी सेम वही हरकत है जो स्टार्टिंग में हो रही थी। मेरे लिए थोड़ी सी दिल में तो जगह रखना, सेम है, दिल में तो जगह रखना। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे एंड हो रहा है फटाफट। तो अब जो मेलेडी आ रही है, अब जो एग्जैक्ट मेलेडी आ रही है वो जिहाले मस्की वाली है, सेम। ठीक है, तो क्या है, खुशी तुम्हारी, तो ये वाइंड अप हो रहा है, अब गाना सम अप हो रहा है, गाने का कंक्लूजन आ रहा है। तो क्या है, खुशी तुम्हारी है जब इसी में, खुशी तुम्हारी है जब इसी में, है जब इसी में, ई पे छोटी सी वेरिएशन है, है जब इसी में। अब तो हम भी ठीक है, हम पे भी एक मुर्गी आ गई, तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे।
छुपा ही लेंगे। सेम मेलोडी है। खुशी तुम्हारी है जब इसी में तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे, छुपा पा। यहाँ पर भी एक मुर्की है। छुपा छुपा पा आ छुपा ही लेंगे, छुपा ही लेंगे। वजह जो पूछे, वजह जो पूछे पूछे। सेम भाई वेवी हरकत है। वजह जो पूछे गा ये जमाना कोई बहाना बना ही लेंगे। ठीक है, फिर एक कोरस आ रहा है। चाहे जो तू पाए वो तू, ये मेरी फरियाद है। जीले चाहे तुम बिन यारा, होना तो बर्बाद है। जब तक ना मर जाए हम, उस पल का इंतजार है। इतना ही था कहना। सीधा है, ठीक है। ला 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 ला। ठीक है, रिपीट करते हुए नीचे आना। फिर वापस से विशाल मिश्रा जी की एंट्री होती है। तकदीर में तेरा मेरा, तकदीर में तेरा मेरा, ये साथ यहीं तक था। सेम वे, तुमसे मिले दिल को हुआ दर्द करारा। तो ये थोड़ी मुझे वैसी लगती है लाइन, जो हरकत है। ठीक है, तकदीर में तेरा मेरा, तकदीर में तेरा मेरा, ये साथ यहीं तक था। हाँ, तो फिर एंडिंग लाइन्स क्या है? सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। फिर सेम श्रेय घोषाल जी की अलग वेरिएशन के साथ। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। फिर गाना एंड हो जाता है। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल भी एंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक था ट्यूटोरियल। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। गाना बहुत ऊंचा नहीं है, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ, बहुत टाइम से अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। इस दौरान पहाड़ों में जा रहा हूँ, बहुत बर्फगिरी होती है, फिर वापस आता हूँ, फिर पहाड़ों में जाता हूँ। तो ये जो बैक एंड फोर्थ जो चल रहा है उसकी वजह से आप देख रहे हो थोड़ा सा आवाज़ मेरी, गला मेरा थोड़ा ख़राब है। तो फिर भी ये स्केल ईजी है। अगर मेरा गला एकदम 100% ठीक होगा तो ये गाना और ईजिली मैं गा सकता हूँ, और हो सकता है मैं इसका कवर करूँ तो आपको पता लग ही जाएगा। एंड मेक श्योर आप लोग इस गाने को पूरा समझ के गाएँ, फीलिंग्स को समझ के गाएँ, वर्ड्स को जान के गाएँ। ठीक है, वर्ड्स का मीनिंग समझ के गाएँ। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जहाँ पर आवाज़ को खुलना होता है वहाँ उसे खोल लो। ठीक है, उसको दबाओ मत, ये रूल है। ठीक है, गाने गाने का ये रूल है, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो आई होप जो लोग पहली बार इस चैनल में आए थे उन लोग को ये गाना सुन के मज़ा आया होगा, ट्यूटोरियल सुन के मज़ा आया होगा, देख के मज़ा आया होगा। और ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं इस चैनल में, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी आती रहती है। तो आप लोग अगर पहली बार देख रहे थे तो मेक श्योर आप लोग लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो पुराने लोग हो आप तो जानते ही हो क्या करना है, वीडियो पे अपने कमेंट करना, और गाने से रिलेटेड भी कमेंट किया करो भाई। जिस गाने का वीडियो बनाया है उससे रिलेटेड भी कमेंट करा करो, नेक्स्ट के या पिछले की बात मत किया करो खाली। ठीक है, तो दिस वॉज इट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।